पंकज जी, किस तरीके का काम है आपका आजादपुर मंडी? हम लोगों का चीकू का बिजनेस है ऑलरेडी। हम चीकू आता है हमारे यहाँ गुजरात से, हम चीकू बेचते हैं। ये नोट बंद होने की वजह से हमें इतनी समस्या आ गई है यहाँ, ना हमारा कारोबार हो पा रहा है, ना माल आ पा रहा है, ना माल जा पा रहा है। जिस किसी भी कस्टमर को हम कारोबार करते हैं, माल देते हैं रेडी वाले को, रिक्शा वाले को, वो कहता है हमारा पैसा ही नहीं आता। ना कस्टमर उनको 500 का नोट देता है, उसका लिया नहीं जाता, वो उसके चेन मांगता है, खुले पैसे मांगता है, पैसे वो दे नहीं पाता, क्या करें? इससे हमने कारोबार बंद कर दिया है। आज 4 दिन हो गए हम लोगों ने माल मंगवाना ही बंद कर दिया, क्या किया जाए? तो क्या ऐसी भी दिक्कत आ रही है कि माल जब मंगवाया जा रहा है तो बीच में अटक भी रहा है माल, क्योंकि ट्रक्स को पेमेंट? हाँ, वो इन्होंने क्या किया था, बीच में ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के पास पैसे नहीं थे, ड्राइवरों के पास, तो रास्ते में गाड़ियाँ ब्लॉक हो गई थी। अब मोदी जी ने क्या किया है, 18 तारीख तक टोल फ्री कर दिया है, गाड़ियाँ तो आ रही हैं, लेकिन पीछे से लोडिंग बंद है, यहाँ सेल आउट नहीं हो रहा, बिक ही नहीं रहा। जब पैसा ही नहीं आएगा तो आदमी क्या करेगा? तो इससे क्या आप जैसे बड़े बिजनेसमैन पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या जो जो आपके यहाँ लेबर काम करती है उस पर भी वो भी ज़्यादा परेशान है? नहीं, ऐसा है जी, टोटली ऑलराउंड पूरी मंडी के ऊपर इफेक्ट है, फ्रूट एंड वेजिटेबल पूरे सबके ऊपर इफेक्ट है। जो लेबर है रोज 100-200 रुपये, 50 रुपये, 100-200-300 कमाती है, वो भी बेचारी पैसे नहीं कमा पा रही, कहाँ से उसका खर्चा चलेगा? कई लेबर तो कहते हैं हम घर जा रहे हैं, वापसी जा रहे हैं, क्या करें? बड़ी मुश्किल उनको रोका हुआ है, रुक जाओ, किसी तरीके कोई ना कोई इसका हल निकलेगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और पूछना होंगे कि क्या ऐसा भी हो रहा है कि आप लोगों के पास भी कैश इतना नहीं है कि लेबर को हर रोज 100-150 या 200 रुपए आप दे पाए, इतना कैश भी हम लोगों के पास कैश अवेलेबल ही नहीं है ना जी। वो कल तक 20,000 रुपये मिल रहे थे हमारे को, से उसमें अपना 10-10,000 रुपये दिए थे। आज हमने अपने बैंक में चेक भेजे तो उन्होंने हमारे को कैश दिया नहीं, कहते हमारे IDFC बैंक में कैश ही नहीं आया, क्या किया जाए? हमारे सब कैश है नहीं हम लोग। तो फिलहाल आप सुन सकते हैं कि इनका बड़ा यहाँ पर एक बिजनेस है चीकू का, जो गुजरात से चीकू आते हैं, अच्छे उनके खासतौर से सर्दियों में चीकू बहुत अच्छे खाए जाते हैं, लेकिन अब सर्दियाँ शुरू होते ही जो है वो उस पे थोड़ी रोक, 4 दिन से जो है सामान नहीं आ रहा, लोडिंग नहीं हो रही, जिससे परेशानी है, छोटे लेबर को भी परेशानी है। और बात की जाए मोदी जी की पॉलिसी से इनको परेशानी नहीं है, लेकिन जो व्यवस्थाएँ हैं उससे परेशान है, बैंक में कैश नहीं है, सुरक्षा नहीं है, और बैंक के आगे लाइन में लगे या फिर यहाँ पर व्यापार करे, खासतौर से जो लेबर क्लास है उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और आगे भी आ सकती है अगर इसी तरह से ये चीज़ चलती रही। मंडी फिलहाल खाली है। इस समय दिल्ली से कैमरामैन लक्ष्मी के साथ कोमल शर्मा।